कांदे पोहे महाराष्ट्र की शान। तो चलिए आज बनाते हैं कांदे पोहे एक स्पेशल तरीके से। पोहों को पहले दो पानी से अच्छी तरह से धुल दीजिए, पर याद रहे पूरा पानी रिमूव मत कीजिए, थोड़ा पानी पोहे में रहने दीजिए। इससे पोहे सॉफ्ट हो जाते हैं और बनने के बाद कड़क नहीं होते हैं। अब एक पैन में 3 बड़े चम्मच तेल डालिए और इसमें राई और 1 मुट्ठी मूंगफली डाल दीजिए, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। इन सभी को रोस्ट कर लीजिए जब तक ये सिंगदाना रोस्ट ना हो जाए। वैसे आप सिंगदाने को पहले भी रोस्ट करके निकाल सकते हैं, पर इस तरीके से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती और बस एक बार में ही पूरा नाश्ता तैयार हो जाता है। सिंगदाने के रोस्ट होते ही उसमें प्याज और आलू ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा नमक ताकि आलू जल्दी से पक जाएं, और मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक दीजिए। पाँच मिनट बाद आलूओं को चेक कर लीजिए। आलू जब पूरी तरह पक जाएं तो उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। हल्दी को 2 मिनट पका लीजिए और इसमें भिगो कर रखे हुए पोहे डाल दीजिए। आप देखेंगे ये पोहे सॉफ्ट और खिले खिले हैं। इस ट्रिक से पोहे को ज़रूर भिगाइएगा। अब स्वाद अनुसार नमक डालिए और अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। ऐसी ही नई नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दो मिनट बाद आप देखेंगे पोहा अच्छी तरह से सिज चुका है। अब उसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए और बस आपका इंस्टेंट पोहा तैयार है, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी। इसे बारीक सेव के साथ गार्निश कीजिए और नींबू के साथ सर्व कीजिए। दिन की शुरुआत इस हेल्दी नाश्ते के साथ जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।